बीसीसीआई ने सोमवार को ऐलान किया कि वॉशिंगटन सुंदर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं खेल पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बीसीसीआई ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए भारतीय टी20 टीम के नए उपकप्तान की घोषणा कर दी है। केएल राहुल के इस सीरीज में नहीं खेलने के बाद बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को ये जिम्मेदारी सौंपी है। बोर्ड के इस फैसले से ऐसा लगता है कि बीसीसीआई पंत के भविष्य को लेकर अपना विजन साफ कर रही है। आपको बता दें, राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल होने के कारण टी20 सीरीज से बाहर हुए हैं। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में चुना गया है। वहीं बात वॉशिंगटन सुंदर की करें तो उन्हें भी तीसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी। इस चोट की वजह से वो पूरी टी20 सीरीज से बाहर हुए हैं और उनकी जगह कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया। वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो उन्हें काफी पहले से ही धोनी की तरह देखा जाता है। उनकी बल्लेबाजी से लेकर विकेट कीपिंग तक उनकी तुलना अक्सर धोनी से की जाती है। लेकिन कप्तानी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा गया, मगर अब ऋषभ के इस सफर की शुरुआत होती भी दिख रही है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की शानदार कप्तानी करने के बाद ऋषभ से अब यही उम्मीद है कि वो टीम इंडिया में भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं।